हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्यमय दुनिया में। धर्म और विज्ञान की दुनिया की कई तरह के रहस्यों से पर्दा उठाया है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस युग में अब सब कुछ संभव होने लगा है। मानव का ज्ञान पहले की अपेक्षा से बढ़ा है, लेकिन इस ज्ञान के बावजूद व्यक्ति की सोच अभी भी मध्ययुगीन ही है। वह इतना ज्ञान होने के बावजूद भी मूर्ख और मूढ़ बना हुआ है। खैर, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के इस वैज्ञानिक युग में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं इन पर से अब लगभग पर्दा उठ चुका है या उठ रहा है। क्या आप उन बातों को जानकर अपनी सोच को नई दिशा देना चाहेंगे कि फिर से तर्क वितर्क के जाल में उलझकर आंखें बंद कर लेंगे? हम आपको सिर्फ आपके बारे में ही यह बताना चाहते हैं कि ऐसी 12 रहस्यमय बातें जिन्हें जानकर आप रह जाएंगे हैरान। आइए बात करते हैं रहस्य नंबर 1 की। विचारों से बनता है भविष्य। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज आप जो भी है वह आपके पिछले विचारों का परिणाम है। विचार ही वस्तु बन जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही भविष्य निर्माण करते हैं। यही बात द सीक्रेट में भी कही गई है और यही बात धर्मपद गीता जिन सूत्र और योग सूत्र में भी कही गई है। इसे आज का विज्ञान आकर्षण का नियम कहता है। संसार को हम पांचों इंद्रियों से ही जानते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो भी ग्रहण किया गया है उसका मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव से ही चित्त निर्मित होता है और निरंतर परिवर्तन होने वाला होता है। इस चित्त को समझने से ही आपके जीवन का खेल आपको समझ में आने लगेगा। अधिकतम लोग अब इसे समझकर अच्छे स्थान माहौल और लोगों के बीच रहने लगे हैं। वो अपनी सोच को बदलने के लिए ध्यान से पॉजिटिव मोटिवेशन क्लासेस भी जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव मस्तिष्क में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार आते हैं। इनमें से ज़्यादातर नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक विचारों का पलड़ा भारी है तो फिर भविष्य भी वैसा ही होगा, और यदि मिश्रित विचार है तो मिश्रित भविष्य होगा। अधिकतर लोग नकारात्मक फिल्म, सीरियल और गाने देखते रहते हैं। इससे उनका मन और मस्तिष्क वैसे ही निर्मित हो जाता है। वे गंदे या जासूस उत्पादन पढ़कर भी वैसा ही सोचने लगता है। आजकल इंटरनेट है जहाँ हर तरह की नकारात्मक चीज़ें ढूंढी जा सकती है। न्यूज़ चैनल दिन भर नकारात्मक खबरें दिखाता रहता है जिन्हें देखकर सामूहिक रूप से समाज का मन और मस्तिष्क खराब होता रहता है।